बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक के दुनिया में तशरीफ लाने से बजाय तशरीफ लाने से 15 साल पहले आपकी विलादत होती है। आपका जो नसब नामा है वो किस तरीके से है कि आपका नाम खदीजा, वालिद का नाम खुवैलद और आपकी वालिदा का नाम फातिमा है। आपकी कुन्नियत उम्मुल कासिम और उम्मे हिंद है। आपके अलकाबात बड़े शानदार हैं। सबसे मशहूर तो लकब कुबरा है और ये इतना मशहूर हो गया कि आपके नाम का ही गोया हिस्सा बन गया, खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको कहा जाता है। एक और मशहूर लकब ताहिरा है। इसी तरह आपको सैयदाए कुरैश भी कहा जाता है। एक लकब सिद्दीका भी है। सुभान अल्लाह। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी जो अज़दवाजी जिंदगी है, दो मरतबा याद रहे कि आपकी शादी हो चुकी थी। पहले अबू हाला बिन जुरारा तमीमी से आपकी शादी हुई, उसके फौत हो जाने के बाद अतीक बिन आबिद मखजूमी से आपकी शादी हुई। जब ये भी वफात पा गया तो बड़े बड़े रुसाए कुरैश ने, बड़े बड़े अमीर लोगों ने आपको शादी का पैगाम भेजा, मगर आपने किसी का पैगाम कबूल नहीं किया और अपनी औलाद के साथ जिंदगी बसर करने लगी। याद रहे कि हजरत खदीजा बड़ी मालदार खातून थी, जबरदस्त बिजनेस भी करती थी और उस जमाने में अरब के लोग शाम में अपना माल बेचने के लिए लोगों को भेजा करते थे और उनको भी कुछ नफा दिया करते थे। कारोबार के दो तरीके थे कि आप मुदारबत के तौर पर भी माल दिया करती थी, यानी इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी माल दिया करती थी, और आप जो है मजदूर भी लोगों को हायर करके मजदूरी पर भी लोगों को अपने माल के साथ, अपने सामान के ऊंटों के साथ शाम भेजा करती थी। तो ऐसा इतना बड़ा बिजनेस था कि पूरे कुरैश के जितने ऊंट होते थे, पूरे कुरैश का जितना बड़ा काफिला होता था, हजरत खदीजा का अकेला इतना बड़ा काफिला तिजारत के लिए जाया करता। तो आपको हर वक्त दयानतदार अमीन लोगों की हाजत रहती थी। अच्छा, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह उस पूरे मुआशरे में, उस पूरे दौर में अमीन और सादिक के नाम से मशहूर थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम से अबू तालिब ने, आपके चचा ने दरखास्त की कि गुर्बत के दिन है, मालो दौलत की कमी है। हालांकि अबू तालिब जानते थे कि नबी पाक को कहीं शाम के यहूदियों की तरफ से, वहां के गैर मुस्लिमों की तरफ से कोई नुकसान ना पहुंच जाए, मगर आपने नबी पाक से अर्ज की कि चूंकि अब हमारी माशी कैफियत थोड़ी कमजोर है, तो हजरत खदीजा के तरफ आप जाइए, उनसे बात कीजिए, वो अपने काफिलों के लिए अमानतदार और दयानतदार लोगों की तलाश में रहती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने राबता किया और बखुशी हजरत खदीजा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ गोया एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक मुनाफे की मकदार तय कर ली गई कि इस सफर के बाद इतना आपको मुनाफा दिया जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है अब जब रवाना हुए तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया कि आपने अपना एक गुलाम मैसरा प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया और ये ताकीद भी की कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ना फरमानी ना की जाए, आपकी राय से इख्तलाफ ना किया जाए। इसी तरह याद रहे कि यह भी तय हुआ कि आपको मैं उसकी निस्बत दुगना मुआवजा दूंगी जो आपके कौम के दूसरों लोगों को देती हूँ, क्योंकि आपकी अमानत, आपकी सच्चाई के बारे में मुझे मालूम है। बहरहाल ये काफिला तो क्या रवाना हुआ, एक कमालात का सिलसिला शुरू हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम जहां जाते बादल आपको साया करते, धूप के अंदर फरिश्ते आप पर साया फिगर हो जाया करते। आपने जब माल बेचना शुरू किया तो इतना मुनाफा हुआ, मैसरा कहते मैंने जिंदगी में कभी इतना मुनाफा नहीं देखा। नबी पाक की बरकतें गोया जाहिर होना शुरू हो गई और जो गुलाम मैसरा था, जो हजरत खदीजा का गोया नुमाइंदा था, मगर वो गोया नबी पाक का गुलाम बनकर रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये काफिला जब वापस आने लगा तो हजरत मैसरा नबी पाक से अर्ज करते हैं कि हुजूर आप ऐसा करें कि आप पहले चले जाएं और हजरत खदीजा को जाकर खुद बताएं कि कितना बाजार में, कितना इस कारोबार में नफा हुआ है, उनको खुशखबरी दीजिए। नबी पाक जब जाने लगे, हजरत खदीजा अपने घर की छत पर कुछ खवातीन के साथ बैठी थी। दूर से जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को आते देखा तो वो देखकर हैरान रह गई कि नबी पाक के सर अकदस पर गोया फरिश्ते साया फिगर हैं, आप पर साया हो रहा है। बहुत गौर से देखा, नबी पाक तशरीफ लाए और उसके बाद जब हजरत मैसरा आए और उन्होंने आकर हजरत खदीजा को वो सारे वाकयात सुनाए कि कदम कदम पर किस तरह इनकी बरकतें जाहिर हुई, और हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने गोया ये जान लिया कि आप अल्लाह के नबी हैं, ऐलान नबूवत फरमाने वाले हैं। अब इस वाकये की तस्दीक के लिए हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जो चचाजाद भाई वरका बिन नौफल थे, उन्होंने दीन ईसाइत इख्तियार कर लिया था, आसमानी कुतुब का मुताला भी किया था, एक बड़े आलिम थे। हजरत खदीजा ने जब फरिश्तों का नबी पाक अलैहिस्सलाम पर साया करना और दीगर वाकयात का तस्किरा किया तो वरका बिन नौफल वो कहने लगे कि बेशक ऐ खदीजा, अगर ये सच है तो बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس امت کے نبی ہیں، میں پہچان گیا ہوں کہ آپ اس امت کے وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہ آپ ہی کا زمانہ ہے۔ اب دل مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ حضرت خدیجہ جن کو بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے قبیلے کے سربراہوں نے نکاح کی پیشکش کی تھی، آپ نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں آ جاتی ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات بڑی سیکھنے والی ہے، سرور کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی خاتون سے ہوتا ہے جو شادی شدہ ہیں، نبی پاک سے عمر مبارک میں بھی زیادہ ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو کر کے بہت ساروں کے لیے ایک زبردست لیسن بھی دیا ہے کہ بعض اوقات اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون سے کوئی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ کسی بیوہ سے لوگ شادی کرنے کو معاذ اللہ اپنے لیے کمتر سمجھتے ہیں، لیکن سبحان اللہ نبی پاک کا پہلا نکاح ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر یہ جوڑا کتنا مبارک ہے۔ سبحان اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ ہستی ہیں جن کے یہاں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے۔ میرے آقا کی جگر کا جو ٹکڑا جنہیں کہا گیا، بی بی فاطمہ کی والدہ، اور دوسرے لفظوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نانی جان ہیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسی ماں ہیں جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار، اور جن کے نواسے جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔